सफाई मशीन मामले में आजम खान ने सरेंडर कर दिया है। जौहर ट्रस्ट के सदस्य और नगरपालिका के तत्कालीन अध्यक्ष है मशीन मामले में आरोपी। आजम खान और अब्दुल्ला आजम भी मशीन मामले में आरोपी बनाए गए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी से मशीन बरामदगी का ये मामला है। जौहर यूनिवर्सिटी से सफाई मशीन बरामद हुई थी। जमीन खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से मिली थी ये मशीन। नगरपालिका रामपुर की मशीन, आरोप है कि आजम खान ने ही इसे कब्जा लिया था और इसे जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस में जमीन के नीचे छिपा रखा था। अब्दुल्ला के दोस्त अनवार और सालिम की निशानदेही पर बरामदगी हुई थी। शहर कोतवाली में केस दर्ज हुआ था। तो जौहर यूनिवर्सिटी से मशीन बरामदगी के मामले में आजम खान ने सरेंडर किया है। तो बड़ी खबर है ये, जौहर यूनिवर्सिटी कि जब परिसर की खुदाई हो रही थी, उसके अवैध बाउंड्री वॉल को जब तोड़ा जा रहा था तो अंदर से एक मशीन मिली थी और वो मशीन नगर पालिका की मशीन थी, रामपुर नगर पालिका की, और इसी मामले में आजम खान ने सरेंडर किया है। विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, एक तरफ आजम खान और फैमिली को 7 साल की सजा MP MLA कोर्ट से होती है और दूसरी तरफ मशीन के मामले में उन्होंने सरेंडर किया है। जी बिल्कुल, देखिए आजम खान को 7 साल की सजा अब्दुल्ला आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में हुई है। वहीं उन्होंने एक जौहर यूनिवर्सिटी से नगर पालिका की सफाई मशीन जो थी वो अब्दुल्ला आजम जो आजम खान के दोस्त थे उनके निशानदेही पर बरामद हुई थी। जो अब्दुल्ला आजम का अनवार और सालिम दोस्त है उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद की थी, जिसके बाद आज वो मामला भी चल रहा था। पर आजम खान ने आज उसमें भी जो है सरेंडर किया है, आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने, क्योंकि जौहर ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो इसमें आरोपी हैं और साथ ही जो नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष हैं वो इसमें आरोपी हैं और जो EO समेक हैं वो इसमें आरोपी हैं। तो उनके उन्हीं में आजम खान और अब्दुल्ला आजम भी उसमें क्योंकि ट्रस्ट में है, तो इसी के लिए आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने मशीन मामले में भी सरेंडर किया है। जी विशाल, सरेंडर किया है, क्या उनकी ओर से जमानत की अर्जी भी लगाई जाएगी और जिस मामले में 7 साल की सजा हुई है उस मामले में भी तो जेल भेजा जाना होगा? बिल्कुल, देखिए जिस मामले में 7 साल की उनको जो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सजा हुई है 7 साल की, उसमें उनको जेल जाना है। साथ ही आजम खान की तरफ से एक एप्लीकेशन भी लगाई गई है कि मुझे रामपुर जेल में ही रखा जाए, कहीं और जेल मुझे शिफ्ट नहीं किया जाए। तो अब ये कोर्ट का देखना है कि कोर्ट उनको आज रामपुर जेल में रखेगा या कहीं और जेल में शिफ्ट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आजम खान की तरफ से ये एप्लीकेशन लगी है कि मुझे रामपुर जेल में ही रखा जाए, किसी और जेल में शिफ्ट नहीं किया जाए। रहा मशीन वाला मामला। जी धन्यवाद विशाल इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आजम खान ने सरेंडर कर दिया है, उनकी डिमांड है कि उन्हें रामपुर जेल में ही रखा जाए। 7 साल की सजा उन्हें 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में हुई है। दूसरी तरफ जो मशीन बरामद हुई थी नगर पालिका की जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर से, उस मामले में इन्होंने आज सरेंडर कर दिया है। और अगली खबर दिल्ली से बड़ी खबर है, त्योहारों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया, अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। जी हाँ, रेलवे अलर्ट हो गया है त्योहारों के मद्देनजर और रेलवे की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी क्योंकि इस दौरान लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने अपने गंतव्य, अपने अपने घरों को जाते हैं और ऐसे में भीड़ बढ़ जाती है, ऐसे में रेल रूट पर लोड बढ़ जाता है, तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 34 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला लिया। 5,900 कोच होंगे इन विशेष ट्रेनों में, तो स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, 34 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी।